कल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भाजपा सरकार का पहला संपूर्ण बजट पेश किया। 10 संकल्प उन्होंने गिनाए और कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड उन्होंने घोषणाएं करी हैं। और आज विपक्ष, जो कि एक बहुत मजबूत विपक्ष इस बार विधानसभा में है, विपक्ष जानेंगे कि वो इस बजट को किस प्रकार से देखते हैं। भाई साहब, 10 तो संकल्प लिए और उसके बाद तमाम जो घोषणाएँ की गई विपक्ष की तरफ से, भले ही डोटासरा साहब हो, टीकाराम जूली जी हो, उनका यही कहना था ये बजट घोषणा वीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, राजस्थान की जनता को निराश करने वाला बजट है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, दिया कुमारी जी ने 3 घंटे 2.5 घंटे के लगभग बजट पर भाषण दिया, पर इस बजट में मुझे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, STSC के लिए, व्यापारियों के लिए, मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। वो बजट को ऐसे लग रहा है जैसे कोई चुनाव में जा रहे हों, जिस तरह का बजट पेश किया है। मोदी जी का एक विज़न था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो आय तो दुगनी नहीं कर पाए, पर वो किसानों को ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। आज किसानों की हालत इस देश में ऐसी दयनीय है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है और खेती के काम को छोड़ने को मजबूर है। युवाओं की आप हालात देख लो तो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हमारा देश के युवाओं की जैसी हालत है वो शायद विश्व में कहीं नहीं है। बीच में माफ़ कीजिएगा, आपको टोकूंगा, हर साल 1 लाख नौकरी देने की बात करी। नहीं, नौकरी देंगे कहाँ से भाई? नौकरी देने की बात की तो अभी उनको 6-7 महीने हो गए, कुछ तो भर्तियाँ निकालते। ये पिछली सरकार में मैं विधायक था, 2013 से 2018 में भी, तो इस तरह की बातें ये करते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों को, नीचे सोने वाले को सकड़ाई नहीं बरती जाती। वो कुछ भी कहता रहे, पर जब धरातल पे कोई चीज़ नहीं आएगी, उसके परिणाम सही नहीं आएंगे, तो आप जान सकते हो। और 6-7 महीने से जब से सरकार बदली है, आज हालात देख लो प्रदेश के, आम आदमी के हालात कितने बदतर हैं। न पीने को पानी मिल रहा है, अघोषित कटौती हो रही है बिजली की। गाँव में जिस तरह के हालात है, रात को 11 बजे बिजली चली जाती है, सुबह तक लाइट नहीं आती, दिन में लाइट नहीं आती, तो ये लोगों को परेशान करने वाली बात है। और वो कहते हैं साहब, पिछली सरकार जब हमारी गवर्नमेंट थी तो कैसे भी मैनेजमेंट किया, पर अशोक गहलोत जी का मुकाबला नहीं है। उनने जिस तरह के मैनेजमेंट बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चिरंजीवी जो योजना थी इस देश में, नहीं पूरे विश्व में उस चीज़ का एक योजना का नाम हुआ। आज उसी पे ही आ रहा था भाई साहब, 25 लाख तक का बीमा दिया गया था, लेकिन चिरंजीवी का इन्होंने नाम चेंज कर दिया, आयुष्मान आरोग्य करके कुछ इन्होंने योजना करी है। चेंज कर दो, कोई बात नहीं, इनकी सरकार है, नाम चेंज कर देना, कोई बात नहीं है, उससे हमको कोई नाराजगी नहीं है। पर आप उसका फ़ायदा तो दिलाओ, जनता को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तो विधायक हूँ, हमारी दवाइयाँ नहीं मिल रही है, आप आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा? हम बाज़ार से रोज़ जेब से दवाइयाँ ला रहे हैं। तो जिस तरह के हालात इनने पैदा किया, पहले गाँव का आदमी इतना आत्मनिर्भर हो गया था, कोई भी कितनी बड़ी बीमारी हो, उसकी जाँच फ्री, दवाई फ्री, चाहे कितने ही लाख का इलाज हो। आज हालात ये है कि उसको ज़मीन बेचनी पड़ेगी, जेवर बेचना पड़ेगा जब जाकर इलाज होगा। और लोगों को मैं आए दिन फ़ोन आते रहते हैं हॉस्पिटलों से, मरीजों के, हम उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति है कि सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। पानी के क्षेत्र में देखो तो ये पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था हम फेल हो गए, चिकित्सा की व्यवस्था हम फेल हो गए, और जो विकास कार्य पहले चल रहे थे, चाहे सड़कों का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, वो सब बंद कर दिए गए। उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, ठेकेदारों को पैसा पेमेंट नहीं होने की वजह से वो काम, ज़्यादातर 80% काम बंद हो गए। तो इस तरह के हालात है। अब बजट में आप कुछ भी कह सकते हैं, भाषण कुछ भी दे सकते हैं, पर कोई भी योजना है अगर वो धरातल पर नहीं आएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। 6-7 महीने से युवा मित्र, भले वो राजीव गांधी युवा मित्र हों या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भजन लाल जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, लेकिन इसका उलट एक व्यवहार देखा जा रहा है। जो तृतीय श्रेणी जो के जो और लोग जो अभी धरनारत हैं, उनका कहना है कि 50% अगर आपने इनको दे दिया तो हम कहाँ जाएं? देखिए, वो दे दें वो बात ही कर सकते हैं, देने को कुछ नहीं। महिलाओं की जो स्थिति आज प्रदेश में है, किस तरह के उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र की एक डिम्पल मीना थी, 8-9 साल की बच्ची थी, मूक बधिर थी, उसको जला दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, मार दिया गया। पुलिस के बार बार बयान पलटती रही, IG का कुछ बयान आया, SP का कुछ बयान आया, पहले कहते हैं कि ये तेजाब से जला के मार दी गई,
उसके दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कहा उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया। तीसरा बयान आया आईजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उसको जहर दे दिया गया, चलो मान लिया। पर आप एक बात देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जलेगा तो उसके हाथ भी जलेंगे, उसके बाल भी जलेंगे, ऊपर के हिस्से भी जलेंगे, उस बच्ची के यहाँ कनिया से नीचे नीचे के जो ऐसे पार्ट हैं उनको ही जलाया गया है, वो सब सबूत भी है। पर अब पावर के लोग होते प्रेशर में आकर पुलिस इस तरह के बयान दे रही है और उनके परिवार के लोगों को ही फंसाना चाह रहे हैं, तो जैसे हालात है माँ बाप को ही फंसाया जा रहा है, तो इससे और ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज पुलिस का रवैया देख लो, आप अधिकारियों का रवैया देख लो, सरकार के मंत्रियों का फ़ोन नहीं उठा रहे, जो तानाशाही हो रही है। और यहाँ तक सुनते हैं हम तो कि सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी इनके फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, इनके फ़ोन मंत्रियों के फ़ोन अटेंड नहीं हो रहे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। मैं तो ये मानता हूँ ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। हमें तो बहुत खुशी हुई थी जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, हमारे संभाग से आते हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं, तो हमने बजट में ये सोचा हमको कुछ मिलेगा। पर भरतपुर संभाग को जब कोई भी चीफ मिनिस्टर जिस एरिए से बनता है तो उस एरिए में विकास होता है, हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई योजना नहीं। कोई ट्रेनें और कुछ एलिवेटेड रोड की बात तो शायद कहीं, अरे साहब ट्रेनें एलिवेटेड रोड तो ये तो पहले भी बनते रहे, पहले भी हमारे पिछले 5 साल में जितना विकास हुआ तो वो विकास पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ। 20-30 साल के इतिहास को उठा के देखें तो पिछले 5 साल में इतना विकास हुआ। पर अब मुख्यमंत्री जब वहाँ के हैं तो उनको अपने एरिए में तो काम करना ही चाहिए ना, पर वो ऐसा कोई काम नहीं कर पाए, ऐसी कोई छाप नहीं छोड़ पाए, और सिवाय घूमने के भाषणबाजी करने के अलावा कोई लेना देना नहीं है। शायद पता नहीं इनके हाथ में कुछ है कि नहीं, दिल्ली से सारी चीज़ें तय हो रही है ये सुनने में आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो ये सरकार कहाँ जा कर रुकेगी, ये भगवान भरोसे है। और आने वाले चुनाव में चाहे पंचायतों के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, इन लोगों को भूखी खानी पड़ेगी। दिल्ली की आपने बात करी, एक और ख़ास चीज़ इस बजट में देखी गई कि राजधानी दिल्ली की तर्ज पर जैसे वहाँ भारत मंडपम बनाया है, वैसे राजधानी जयपुर में या राजस्थान के किसी बड़े शहर में राजस्थान मंडपम बनाने की बात इस बजट में कही गई। मैं तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, बनाओ तो सही, पर अब आप नाम ही लेते रहो मंडपम फलाना, पहले भी इनने कहा कि हम इतने सिटी बनाएंगे, मेट्रो वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, हुआ कुछ नहीं। पिछले 10 साल से मोदी जी सत्ता में है, 10-12 साल से, तो वो सिवाय नेहरू जी को और कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज हालात देख लो देश में भी, वहाँ आदिवासियों में देखो मणिपुर के जैसे हालात हैं, पूरे देश को शर्मसार करने वाले, विदेशों में भी हमारी कितनी बदनामी हुई है, और जितने बलात्कार महिलाओं के हुए हैं, जितने अत्याचार महिलाओं पर हुए हैं, आदिवासियों पर हुए हैं, दलितों पर हुए हैं, उनको ये रोक नहीं पाए। आदिवासियों को तो लगता है इनके बयानों से ऐसा लगता है कि आदिवासियों से इनकी कितनी नफरत है। मदन दिलावर की तरफ आप कुछ नहीं, मदन दिलावर जी का दिमाग ख़राब हो गया, इनको पागल अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। ऐसे देश के मूल निवासी है, अनादिकाल से इस धरती पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कहते हैं इनकी DNA जांच कराएंगे, इनके फादर कौन है, तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। उनको आदिवासी ऐसे गौरवशाली समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को भी ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बजट को 10 में से कितने अंक देना चाहिए? मैं तो 0 दूंगा इस बजट। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। अच्छा, मैं तो कांग्रेस का विधायक हूँ, चलो मेरे क्षेत्र में नहीं कराया, पर आसपास के कुछ एरिए कोई भी नहीं कराया, इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या इस बजट से हम कोई आशा नहीं। ये थे हमारे साथ घनश्याम मेहर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बजट काफ़ी निराशापूर्ण है और इस बजट में सिर्फ और सिर्फ थोती घोषणाएं की गई हैं और कई सारी योजनाएं तो ऐसी थी जो पिछली सरकार की थी, उन्हें ही एक नया जामा पहना के इस बजट में पेश किया गया है। सिर्फ भाषण लंबा देने से या सिर्फ घोषणाएँ करने से कुछ नहीं होता, धरातल पर काम भी करके दिखाना होगा। आप अलग अलग जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उनके नाम आप भले ही चेंज कर दो, लेकिन उस योजना में काम क्या हुआ है पिछले 6-7 महीने में वो भी आपको करके दिखाना था, जो कि नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या रोज़गार के क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर स्तर पर ये बजट घनश्याम मेहर जी ने कहा कि फेल साबित हुआ है। 6-7 महीने से भले ही तृतीय श्रेणी अध्यापक हो या राजीव गांधी युवा मित्र हो, वो भी लगातार धरनारत हैं, उन्हें भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है और इस बजट में भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। अब देखने वाली बात यह है कि इस बजट को लेकर ये सरकार आगे कहाँ तक जा पाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।